الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وآل وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات قرآنی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے چند فضائل بیان کیے تھے. آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل بیان کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہے. سفر میں, حضر میں اور ہر جنگ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور سبز گنبد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں بہت سی آیتیں اتاری ہیں. خاص طور پر جو آپ کی عظمت و شان کی چند آیتیں ہیں
वो मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। गुज़श्ता रात मैंने आपको बताया था कि सहाबा किराम की फजीलत में जितनी आयतें उतनी हैं, उन आयतों में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है, बल्कि आपका मकाम सबसे बुलंद और बरतर। खास तौर पर जो आपके मुतल्लक आयतें उतरी हैं, वो मैं आप हजरात के सामने आज पेश करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जहां बहुत से औसाफ हसना थे, एक वस्फ जमील ये भी था कि हर वो गुलाम जो मुसलमान हो जाता था और मुसलमान होने की वजह से उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस गुलाम को खरीद कर अल्लाह के लिए आजाद कर देते थे। आपने 12 गुलामों को खरीद कर आजाद किया। उन 12 गुलामों में एक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी है। एक दिन आपके वालिद माजिद हजरत अबू कुहाफा, जबकि वो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने ये कहा, अबू बकर बेटा, मैं देखता हूं कि तुम गुलामों को खरीद कर आजाद करते हो, बिना शुबा ये नेकी का काम है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि जिन गुलामों को खरीद कर तुमने आजाद किया है वो बूढ़े, तो बूढ़ों को खरीद कर आजाद न करो, बल्कि जवानों को खरीद कर आजाद करो, इसलिए अगर कोई तकलीफ और मुसीबत का वक्त आ गया तो जवान तुम्हारे काम आ सकते, तुम्हारी मदद कर सकते। तुमने उनको खरीद कर आजाद किया होगा, तुम्हारा उन पर एहसान होगा, तो वो कभी तुम्हें एहसान का बदला दे सकती है, किसी मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आ सकती है, और तुम बूढ़ों को खरीद कर आजाद करते हो, ये बूढ़े मुसीबत के वक्त तुम्हारे क्या काम आ सकते हैं और तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे बाप, मैं जो इन गुलामों को खरीद कर आजाद करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा है, इनसे कोई बदला लेना नहीं, मेरा ये मकसद ही नहीं कि किसी मुसीबत के वक्त ये मेरे काम आए, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए इनको खरीद कर आजाद करता हूँ कि मुसलमान होने की वजह से इन पर जुल्म सितम हो रहा है तो ये जुल्म सितम से नजात पा जाए और आजादी के साथ अपने रब का नाम ले सके। जब मेरा मकसद अल्लाह की रजा है, कोई बदला नहीं है, तो फिर मैं ये नहीं देखता कि बूढ़ा है या जवान है, मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह की राह में इसको सताया जा रहा है, मैं उसको खरीद कर आजाद कर देता हूँ। आपने जो 12 गुलामों को खरीद कर आजाद किया है उनमें एक हजरत बिलाल हबशी, आप हजरात जानते हैं कि हजरत बिलाल गुलाम थे और इनका जो मालिक था उसका नाम था उमैया बिन खलफ, वो बड़ा तालिम था और नबी करीम अलैहिस्सलाम का सख्त दुश्मन, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर भी वो जलता था
और खुदा ताला की शान बेनियादी देखिए कि जितना बड़ा वो दुश्मन था उतना ही बड़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम का आशिक अल्लाह ने उसके घर में। हजरत बिलाल हबशी हर दम कलमा शरीफ पढ़ते थे, अल्लाह अहद कहते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे और उमैया चलता था। उमैया ने कहा, बिलाल तुम गुलाम हो मेरे और नाम जपते हो मेरे दुश्मन का, ये मुझे गवारा नहीं, तो मेरे सामने उनका नाम न लिया करो। बिलाल ने कहा कि अब तो उनका नाम मेरी रग रग में और मेरे रुए रुए में इस तरह समा गया है, रच बस गया है कि अब मैं उनका नाम छोड़ नहीं सकता, उनका नाम ही मेरी रूह की गिदा है और उनका नाम ही मेरी तस्कीन का बाइस है। उमैया ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरह उनका नाम लेते हो। उमैया ने जुल्म करना शुरू कर दिया, उसने इतने मजालिम किए कि जिनका तसव्वुर करने से रूह कांप उठती है, डंडे मार मार के डंडे तोड़ देता, जिस्म पर निशान पड़ जाते, खून से माता, किसी पर ही बस नहीं है। दहकते हुए अंगारों पर आपको लिटा देता और जिस्म पर भारी भारी पत्थर रख देता कि ये करवट ना बदल सके, तो वो दहकते हुए अंगारे आपके जिस्म के नीचे ठंडे हो जाते, जिल्द जल जाती, चर्बी पिघल जाती, जालिम आपको रस्सियों के साथ बांध कर जकड़ कर वो रस्सी लौंडों के हाथ में दे देता और वो आपको गलियों और बाजारों में घसीट के फिरते, और घसीटने वाले ये नहीं देखते थे कि कौन सी करवट नीचे है और कौन सी करवट ऊपर। उसने जुल्म की इंतहा कर, लेकिन हजरत बिलाल ये कहते थे, उमैया तेरे बाजुओं में कुव्वत खत्म हो जाएगी, तेरे ये डंडे टूट जाएंगे, तेरे दहकते हुए अंगारे ठंडे हो जाएंगे, तू मार मार के मेरी जान तो निकाल सकता है लेकिन ईमान नहीं निकाल सकता। हजरत बिलाल का सब्र और इस्तिकलाल देखकर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के सामने इरशाद फरमाया कि वो जालिम उमैया मेरे बिलाल को बहुत तकलीफें देता है, हम सुनते हैं तो हमें तकलीफ होती है, अब तो मामला नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, कोई मेरे बिलाल का चारा करो। याद रखो, गुलामों को तकलीफ आए, मुसीबत आए तो बेकरार नबी करीम अलैहिस्सलाम हो जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना, तुम्हारा मुसीबत में मुब्तला हो जाना मेरे रसूल पर किरा और नागवार गुजरता है, यानी तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी मुसीबत मेरे रसूल पर गिरा गुजरती है, नागवार गुजरती है। अंदाजा कीजिए नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने गुलामों से कितना गहरा ताल्लुक है और कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार। तो सरकार ने फरमाया, भाई कोई मेरे बिलाल का चारा करो, वो सालिम उमैया मेरे बिलाल को बड़ी तकलीफें दे रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, खरीद कर आजाद करूंगा,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے بلال کو خریدنے کے ارادے سے. کیا دیکھا؟ اس وقت بھی ظالم امیہ حضرت بلال کو ڈنڈوں سے مار پیٹ رہا. حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے, امیہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے, آخر اس بے گناہ نے تیرا کیا قصور کیا ہے, تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تو ویشیوں کی طرح اس پر کندھے برسا رہا ہے, اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم تیرے نزدیک صرف یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. بد نصیب اگر تجھے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو جس کو اللہ نے نصیب کی ہے تو اس پر ظلم و ستم کیوں کر رہا؟ تو نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی, تجھے کوئی خیال نہیں آتا انسانیت بھی کوئی چیز ہے؟ امیہ نے کہا یہ میرا غلام ہے اور نام جپتا ہے میرے دشمن کا, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر یہ تیرا کہنا نہیں مانتا تو تو اس کو بیچ دے, کوئی اور غلام خرید لے, غلاموں کی کمی نہیں ہے. کیا ہر وقت ڈنڈا پکڑ کے اسی کے ارد گرد رہے گا, کوئی اور کام نہیں کرے گا؟ اگر یہ تیرا کہنا نہیں مانتا تو تو اس کو بیچ دے. امیہ کہنے لگا اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا میں خریدا. امیہ نے کہا اچھا پھر لے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کا سودا ہونے لگا, بلال حبشی بکنے لگے اور قربان جائیں صدیق اکبر کے مقدر کے کہ وہ نبی کریم کے عاشق کو خرید رہے. اور جس نو یار بکیندا لبے تے قیمت ہو بس پلے, اور جس نو یار بکیندا لبے تے قیمت ہو بس پلے, اس دے چیتنا قسمت والا اس دے کرم سبلے. صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق حضرت بلال کو خریدنے لگے, لیکن مزہ نہیں آئے گا اس لیے کہ خریدنے والا تو قدردان ہے, بیچنے والا قدردان نہیں, وہ بے قدرا. اور آپ جانتے ہیں کہ چیز کی قیمت پوری اس وقت پڑتی ہے جبکہ خریدار بھی قدردان ہو اور بیچنے والا بھی قدردان. بیچنے والا جانتا ہو میں کیا بیچ رہا ہوں, خریدنے والا جانتا ہو میں کیا خرید رہا ہوں, تب قیمت پوری پڑتی ہے. اور اگر دونوں میں ایک بے قدرا ہو تب بھی قیمت پوری نہیں پڑتی, اور اگر دونوں ہی بے قدرے ہو تو پھر تو وہی حال ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا تھا. بیچنے والے بھائی بھی بے قدرے اور خریدنے والے قافلے والے بھی بے قدرے, تو پھر قیمت کیا پڑی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بشروہ بثمن بخش دراہم معدودہ وکانو فیہ من الزاہدین, انہوں نے چند کھوٹے درہموں کے عوض یوسف کو بیچ دیا اس لیے کہ وہ بے رغبت تھے, ان کو یوسف کے معاملے میں کوئی دلچسپی اور کوئی لگاؤ نہیں تھا. بیچنے والے بے قدرے بھائیوں نے قافلے والوں سے کہا بھائی خرید لو, انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. کہنے لگے بھائی دیکھو تو صحیح, اپنی جیبوں میں ہاتھ تو مارو. انہوں نے کہا ہمیں اپنی جیبوں کی اچھی طرح خبر ہے, اور دیکھو تو صحیح ہاتھ تو مارو کچھ تو نکلے گا. قافلے والوں نے اپنی جیبوں کو دیکھا
तो चंद दिरहम निकले वो भी खोटे। कितने थे? 18 या 20। दिरहम कहते हैं चवन्नी को। काफले वालों ने कहा कि ये हमारी जेबों में इसलिए है कि ये खोटे हैं, इनको लेता कोई नहीं, वरना ये भी ना होते। तो बेकदरे भाइयों ने कहा चलो यही दे। चंद खोटे दिरहमों के इवज 4.5 रुपए या 5 रुपए वो भी खोटे लेकर बेकदरे भाइयों ने यूसुफ जैसे महबूब को दे दिया। बात क्या थी? बेचने वाले भी बेकदरे थे, खरीदने वाले भी बेकदरे। पंजाब में एक बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने इस मकाम पर बहुत अच्छा कहा। वो फरमाते हैं, मजा हुंदा जे सलीका घिनदी ते मुल पुछदी याकूबों। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत उस वक्त पड़ती जबकि खरीदने वाली होती सलीका और बेचने वाले होते याकूब अलैहिस्सलाम। दोनों कदरदान होते तब पता चलता यूसुफ की कीमत क्या। जे याकूब करेंदा कीमत ते लैन सलीका आंदी जान देंदियो इके दीदारो ते ओ भी कबूल न पैंदी। खरीदने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो कदरदान है, मगर बेचने वाला उमैया बेकदरा। सौदा होने लगा। उमैया ने कहा अबू बकर तुम्हारे पास एक अरबी उन नस्ल गोरे रंग वाला खूबसूरत फसीहुल लिसान गुलाम है, वो दे दो और 7-12 हजार दिरहम दे दो और बिलाल को ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मुझे मंजूर है, और हां कर, ये नहीं फरमाया कि कोई होश कर, अपनी जिनस देख मेरी जिनस देख, तेरा हबशी मेरा अरबी, तेरा काले रंग वाला मेरा कोरे रंग वाला, तेरा सुबान में लुकनत वाला मेरा फसीहुल निशान, और 7-12 हजार दिरहम भी मांग रहे हो तुम्हारे हवास ठिकाने। नहीं नहीं फरमाया मुझे मंजूर। महंगी जिनस सस्ती हाथ आ रही थी, फौरन हां कर दी कदरदान जो थे। आपने अपना गुलाम दे दिया, पैसे भी दे दिए और हजरत बिलाल को ले। खुदा ताला की कुदरत देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो गुलाम जो था वो काफिर था, आपने उसको मुसलमान होने की तलकीन की थी, समझाया था, मगर उसके मुकद्दर में ईमान नहीं था। और इस्लाम में जबर और जबरदस्ती तो है नहीं। उमैया उसी गुलाम का तालिब हो गया जो अबू बकर सिद्दीक का काफिर गुलाम था। तो क्या हुआ? काफिर काफिरों में चला गया और मोमिन मोमिनों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम काफिर रहता था मोमिन के पास, और हजरत बिलाल हबशी मोमिन थे, रहते थे काफिर के पास। आखिर नतीजा ये निकला कि मोमिन मोमिनों में आ गया और काफिर काफिरों में चला। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में इस मकाम पर फरमाते कि नूरिया मर नूरिया रा ताले बन और नारिया मर नारिया राजा दे बन।
नूरी नूरियों के तालिब हो गए, और जब नूरी नूरी का तालिब हुआ तो नूरी नूरियों में आ गया, और नारी नारी का तालिब हुआ तो नारी आखिर नारियों में जाकर मिल। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को ले लिया, जब चलने लगे तो उमैया कहने लगा, अबू बकर मैं तो समझता था कि तुम बड़े होशियार समझदार ताजिर हो, आज पता चला है कि तिजारत में तुम्हें कोई समझ और शऊर नहीं। आपने फरमाया कैसे? उमैया कहने लगा, आज की तिजारत में तुमने बहुत बड़ा धोखा खाया है, बड़ा नुकसान उठाया है, देखते नहीं हो अबशी लेके जा रहे हो, अरबी दे के जा रहे हो, काला लेके जा रहे हो, गोरा दे के जा रहे हो, लुकनत वाला लेके जा रहे हो, और फसीहुल लिसान सही जुबान वाला दे के जा रहे हो, 7000 दिरहम भी दे के जा रहे हो, आज तुमने धोखा नहीं खाया तो और क्या हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओ बेकदरे तुझे मालूम ही नहीं है कि तूने क्या कुछ बेच दिया, बिलाल की कदर मुझसे पूछ, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा सस्ता हाथ आ गया, वरना आज तो मुझे अपना सब कुछ देना पड़ता तो मैं दे देता और बिलाल को खरीद कर आजाद करता। अब वो मैया पछता रहा था कि मैंने फौरन 12000 ही कह दिए, ज्यादा ही मांग लेता, मैंने तो बड़ा सस्ता दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत बिलाल को साथ लेकर चले। रास्ते में कहा, बिलाल एक बात तो बताओ, जब मैं आया था और उमैया तुम्हें कंधों से मार रहा था तुम हंस रहे थे, वो हंसने का कौन सा मौका था? जिसको मार पड़े वो तो रोता है और तुम हंस रहे। हजरत बिलाल ने कहा, ए नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुकर्रब सहाबी, ए बड़े दर्जे और बड़ी शान वाले सहाबी, आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स बाजार में जाए और मट्टी का बर्तन खरीदे तो खरीदने से पहले वो उसको बजा बजा के देखता है कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं, कहीं कच्चा तो नहीं, तो अगर आवाज कड़क निकले सुरीली निकले तो फिर वो खरीदता, अगर बर्तन कच्चा हो टूटा हुआ हो और उसकी आवाज कड़क ना हो तो खरीदने वाला नहीं खरीदता। इसी तरह मुझे भी मेरे रब ने खरीदना था तो उसने खरीदने से पहले मुझे हर तरह बजा बजा के देखा, जब मैं अल्लाह की राह में पक्का साबित हुआ तो अल्लाह मेरा खरीदार बन गया। तेरा मुझको खरीदना ये अल्लाह का खरीदना है, अगर मैं अल्लाह की राह में कच्चा होता साबित कदम ना होता तो तू मेरा खरीदार बन के ना आता। किसी शायर ने इसको अपने अंदाज में पेश किया कि हजरत बिलाल ने फरमाया, बर्तन खरीदने वाला पहले तो छुन के बजाए गाँव से वो बिलियती के ये कच्चा और टूटा तो नहीं, मैं भी हूँ मट्टी का पुतला इश्क के बाजार में, और आ गया हूँ मैं पसंद इस दम निगाहे यार में, मुझे भी इश्क के बाजार में मट्टी का एक पुतला और प्याला समझो, जब मैं अल्लाह की राह में साबित कदम साबित हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे खरीदा, अगर मैं कच्चा होता तो अल्लाह मुझे कभी ना खरीद। हजरत अबू बकर सिद्दीक बिलाल हबशी को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह
आपका आशिक सादिक बिलाले हबशी हाजिर है, हुजूर आज से ये आजाद है, मैंने इसको खरीद लिया है, अब उमैया इस पर कोई जुल्म सितम नहीं कर सकेगा, ये उसके जुल्म से नजात पा गया है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जितने का खरीदा है आधी कीमत मुझसे ले लो, ताकि बिलाल के खरीदारों में मेरा नाम भी आ जाए, मेरा हिस्सा भी हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाती के गुफ्त तो बंद गाने कुए तो और करता मश आजाद नामे रुए तो करता मश आजाद हम पर रुए तो। या रसूल अल्लाह, मैं और बिलाल दोनों आपके बंदाए बारगाह, आपकी गली और आपके आस्ताने के गुलाम हैं, क्या मैं और क्या मेरा माल सब आपके कदमों पर निसार है। हुजूर, मैंने बिलाल को इसलिए नहीं खरीदा कि इसकी कोई कीमत वसूल करूंगा, मैं आपके चेहरा अनवर पर इसको कुर्बान करते हुए इसको आजाद करूंगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया, तो बाद सहाबा ने आपस में ये कहा कि हजरत अबू बकर ने बिलाल के खरीदने के सिलसिले में बहुत सा माल खर्च किया, एक तो अपना अरबी और नस्ल गुलाम दिया, दूसरा हजारों दिरहम दिए। ऐसा मालूम होता है कि किसी जमाने में बिलाल ने अबू बकर पर कोई एहसान किया होगा जिसका इन्होंने बदला दिया, वरना इतनी कीमत कौन देता। जब उन्होंने आपस में ये कहा तो अल्लाह ताला ने आया करीमा होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वासा यो जन्ना बोहल अतका الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, وسيجنبها الأتقى। ये अतقى जो है सिद्दीक अकबर, इनको दोजक से दूर रखा जाएगा, दोजक इनके करीब नहीं आएगी। और ये जो अपना माल देते हैं अल्लाह की राह में, जो इन्होंने माल दिया है, तो ये न कहो कि इन पर किसी का कोई एहसान था जिसका इन्होंने बदला दिया है। इन्होंने जो अल्लाह की राह में माल दिया है वो किसी एहसान का बदला नहीं है, तो फिर इनका मकसूद क्या है, क्यों माल दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इल्लब तेगा वजह रब्बे हिल आला, इनका मकसूद अपने रब्बे आला की रजा के सिवा और कुछ नहीं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रब्बे आला की रजा है। वला सौफा यरदा, तो अन करीब वो राजी हो। तो देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुलूज की अल्लाह ताला ने खुद शहादत। अल्लाह फरमाता है, इन्होंने जो माल दिया है तो किसी एहसान का बदला नहीं, नुमाइश के लिए शोहरत के लिए नहीं दिया, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक व मालिक की रजा है। अल्लाह ताला खुद उनके इखलास की शहादत दे रहा है कि ये जो अल्लाह की राह में माल देते हैं तो सिर्फ मेरी रजा के लिए देते हैं। और इस आयत में एक बात बड़ी काबिले गौर है, जिसमें एक बड़ा अहम मसला है, वो क्या,
अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को फरमाया अतका वसयुजन्नबुहल अतका। कुरान से साबित हुआ कि सिद्दीक अकबर अतका, अल्लाह ने उनको अतका फरमाया। ये लफ्ज याद रखना, अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को क्या फरमाया? अतका। अतका इसके माना है सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार। अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को अतका फरमाया। कुरान से साबित हुआ कि सिद्दीक अकबर अतका। अब दूसरी आयत सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुम ये जो जमीर है ये खिताब की है, और पहले मुखातिब नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब है। अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब को मुखातिब करके फरमा रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ मेरे नबी के सहाबियों, तुम में जो अतका है वो अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा मुकर्रम और मुअज्जम है। इन्ना अकरमकुम, बेशक तुम में जो ज्यादा मुकर्रम है इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक वो कौन है? अतका। तुम जो तुम में अतका है, और सहाबा में अतका कौन है? पहली आयत में आप सुन चुके हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह ने उनको खुद अतका फरमाया, और अल्लाह ही फरमा रहा है कि जो तुम में अतका है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुकर्रम और मुअज्जम है। तो कुरान से साबित हो गया कि सिद्दीक अकबर तमाम सहाबा में ज्यादा दर्जे और मर्तबे वाले। अल्लाह यार मालूम हुआ कि हम अहले सुन्नत व जमात जो सैयदना सिद्दीक अकबर को तमाम सहाबा में अफजल मानते हैं, मुकर्रम मानते हैं, ये हमारा खुद साख्ता अकीदा नहीं है, ये किसी इमाम या मुज्तहिद का कौल नहीं है, ये अल्लाह ताला के फरमान से साबित। चलिए आगे चले, मक्का मुकर्रमा की 13 साल जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिफाकत का हक अदा किया, हर वक्त साथ है। कुफार के मजालिम से तंग आकर सहाबा किराम ने हिजरत की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत फरमानी थी ताकि आने वाली नस्लों के मजलूम मुसलमानों के वास्ते हिजरत करना सुन्नत रसूल हो जाए और बाइसे अजर व सवाब हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। जब अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा मैं यो हाजिर माई, जिब्रील मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? हिजरत के सफर में मैं किसको अपना साथी बनाऊं, किसको साथ रखूं? फकाला अबू बकर वहुवा सिद्दीक। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, हिजरत के सफर में आपके रफी के सफर अबू बकर होंगे और वो सिद्दीक हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा था और जिब्रील ने कह दिया था, और जिब्रील का कहना ये अल्लाह का फरमान है, क्योंकि जिब्रील अमीन ने अपनी तरफ से नहीं कहा था, अल्लाह ताला की तरफ से कहा था। तो सब जानते हैं इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई थी तो हिजरत में आपके रफी के सफर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। सुनो जरा गौर के साथ, जिस रात हुजूर ने हिजरत फरमाई है उस रात कैफियत ये थी कि 40 नौजवान जो 40 खानदानों की तरफ से आए थे नंगी तलवारें लेकर सरकार के मकान का मुआसरा करके खड़े हुए थे,
कि आज जाने नहीं देना, आज जिंदा नहीं छोड़े। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हालांकि उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम मकान के अंदर है। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है और हिजरत के सफर में मेरे साथी होंगे अबू बकर सिद्दीक, तो मैं उनके मकान पर जा रहा हूं, उनको साथ लेकर मैं हिजरत कर जाऊंगा। ये मेरे पास कुछ लोगों की अमानती हैं, ये तुम ले लो और अमानती अहले अमानत के सपुर्द करके तुम भी मेरे पीछे मदीना तैयबा में आ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमानती हजरत अली के सपुर्द की और घर से निकले। देखिए हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाकीदा सीरत। ये अमानतें किन लोगों की थी? वही जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे, जिन्होंने आपको कत्ल करने के लिए एक एक जवान दिया था। ऐसे हालात में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम दुश्मनों की अमानतों को नहीं दबाते, बल्कि हजरत अली के सपुर्द कर रहे हैं कि ये अमानतें जिनकी हैं उनको देकर आ जाना। बताइए, इस कायनात में कोई ऐसा अमीन भी हुआ है जिसने अपनी जान के दुश्मनों की अमानतों को भी ना दबाया? अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम निकले सूरह यासीन पढ़ते हुए, अपनी रिसालत का डंका बजाते हुए निकले। जब इस आयत पर पहुंचे, फाह हुसैन बजाना मिन बैने अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फाहुशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ताला ने काफिरों की आंखों के आगे दीवारें और पर्दे हाइल कर दिए। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को नहीं देखते थे और हुजूर तो सब कुछ ही देखते। सरकार सूरह यासीन पढ़ते हुए निकले। हफीज जलंधरी कहते हैं, वो दर्राता हुआ बहतक कदम भरता हुआ निकला, वो दर्राता हुआ बहतक कदम भरता हुआ निकला, तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। आनंदा सरकार निकले और चुपके से नहीं निकले, कुरान पढ़ते हुए, और जमीन से आपने खाक की मुट्ठी उठाई और उनके सरों पर डाली। दुश्मनों के सरों पर खाक डालते हुए निकले और तशरीफ ले गए। ये भी सरकार का मौजज़ा है। हुजूर ने वो खाक डाली, सबके सरों पर पड़ी। हालांकि वो लोग मकान के इर्द गिर्द खड़े थे कि किसी तरफ से भी निकल के ना जा सके। और बताइए, इस तरह खाक की मुट्ठी फेंकी जाए तो 40 आदमियों के सरों पर पड़ सकती है जो मकान के इर्द गिर्द खड़े हो। मैं कहता हूं 40 आदमी अगर सरों के साथ सर जोड़ के खड़े हुए हो तब भी खाक की मुट्ठी फेंकी जाए तो 40 सरों पर नहीं पड़े। हालांकि वो मकान के इर्द गिर्द खड़े और खाक सबके सर पर पड़ी, तो कैसे पड़ गई? आइए मैं अर्ज करूं, अगर जाहिर के लिहाज से देखा जाए तो ये बात अकल में आने वाली नहीं, लेकिन जब इस लिहाज से देखा जाए कि वो खाक निकली किस हाथ से थी, तो फिर बात समझ में आ जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह का हाथ हकीकत में अल्लाह का हाथ। दस्ते अहमद ऐन दस्ते सुलजलाल आमदा कर गया तो अंदर किसार। हुजूर अलैहिस्सलाम
قرآن شریف پڑھتے ہوئے دشمنوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر آئے. کیا دیکھا؟ چراغ جل رہا اور ابو بکر صدیق جاگ رہے. سرکار دروازے کے پاس پہنچ گئے تھے اور ابھی ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. فرمایا ابو بکر تم جاگ رہے ہو جیسے تمہیں پہلے سے ہی معلوم ہو کہ میں آ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی اور آپ نے میری طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ ہجرت میں میرا رفیق سفر یہ ہوگا. یا رسول اللہ اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا نہیں. اللہ یا رسول اللہ اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ نہ معلوم سرکار کس وقت تشریف لے آئے. دشمن پیچھے لگے ہوئے ہوں تو دروازہ کھلوانے میں دیر لگ جائے اور دشمن کوئی نقصان پہنچائے. حضور اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا ہی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تم میرے رفیق سفر ہو چلو. نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر چلے. مکہ مکرمہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ثور. اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے. سرکار اس میں تشریف لے گئے. غور کیجیے کافروں نے جو راستے مکہ مکرمہ سے نکلتے تھے ان راستوں پر بھی 2-2 آدمی بٹھا دیے. اگر وہ نبی کسی وجہ سے اپنے گھر سے نکل جائے تو یہ پتا تو چلے کہ کس رستے پر گیا ہے کدھر گیا ہے تاکہ اس کا تعاقب کرنا پیچھا کرنا آسان ہو. تو جب شہر سے نکلے جس راستے پر جا رہے تھے اس راستے پر بھی 2 آدمی بیٹھے. جب انہوں نے دیکھا کہ 2 سوار آ رہے ہیں تو وہ چکنے ہوئے کھڑے ہو گئے. کون ہو تم؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں ابو بکر بن ابی قحافہ. اچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب معاملہ بڑا نازک تھا. اگر کہیں کہ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہو تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے اور صدیق کی زبان پر کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکتا. شان صدیقیت پر حرف آتا ہے کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر کبھی جھوٹ کا کلمہ آئے ہی نہیں. تو آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو بڑا معاملہ نازک تھا مگر قربان جائیے صدیق اکبر کی صدا کر. کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذی رجل یهدینی میرے ساتھ وہ مرد کامل ہے جو میرا رہنما ہے جو مجھے ہدایت کرتا ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ ابو بکر رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں رستہ معلوم نہیں ہوگا تو کوئی آدمی ساتھ لیا ہے جو رستہ بتائے. اچھا جاؤ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ یہ میرے رہنما ہیں میرے ہادی ہیں مجھے ہدایت فرماتے ہیں. بات بھی سچی ہو گئی اور دشمنوں کی عقل پر پردہ بھی پڑ گیا. پہاڑ پر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور اب پہاڑ پر چڑھنا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ چڑھائی چڑھتا. سنیدا کہ بغد ماں نندے دیدا سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات جیسی نہیں ہوتی.
उस पहाड़ को जाकर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस गुनाहगार ने सिर्फ उस पहाड़ को देखा ही नहीं बल्कि पूरी चढ़ाई चढ़ी है और गार शरीफ की ज्यारत की है और वहां मीलाद शरीफ भी पड़ा है और ये वाकया भी बयान किया है। मैं बताना ये चाहता हूं कि बाज पहाड़ होते हैं उनमें ढलवान ज्यादा होती है और बाज पहाड़ होते हैं जिनमें ढलवान कम होती है, एकदम चढ़ाई होती है। ये पहाड़ भी ऐसा ही है, चढ़ते जाइए जब चोटी पर जाती है तो फिर बराबर सी जमीन आती है, बराबर आ जाता है पहाड़, फिर दूसरी चढ़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी चढ़ाई चढ़िए चोटी पर जाइए तो थोड़ी सी बराबर जमीन आती है, फिर तीसरी चढ़ाई शुरू हो जाती है। तीसरी चढ़ाई की चोटी के पास ये गार है और चढ़ाई है 3 मील, 3 मील चढ़ाई है। और अब तो तुर्कों के बादशाह ने जायरीन की सहूलत के वास्ते मजदूरों को लगवा के पत्थर कटवा के सीढ़ियों की तरह बनवा दिया है और उस वक्त तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की अकीदत और मोहब्बत देखिए, अर्ज करते हैं हुजूर मेरे कंधों पर चढ़ जाइए, मैं आपको अपनी पुश्त पर उठाकर चढ़ाई चढ़ूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी पुश्त मुबारक पर उठा लिया और चढ़ाई चढ़नी शुरू। जरा तसव्वुर कीजिए और अंदाजा कीजिए कि उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह में अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम होगा, किस प्यार और मोहब्बत की निगाह से अपने इस सच्चे खातिम और सच्चे रफीक को देखते होंगे कि इस कदर कठिन और दुश्वार चढ़ाई है और मुझे कंधों पर उठा के ये चल रहे हैं। सरकार किस प्यार की निगाह से अपने यार को देखते होंगे। और इधर सिद्दीक अकबर की कैफियत ये थी कि जिस मकाम पर हमने जाना है वो मकाम आने ही ना पाए, अल्लाह का हबीब मेरे साथ इसी तरह लगा रहे और मैं चढ़ाई चढ़ता। आखिर तीसरी चोटी पर पहुंचे, गार गार तीसरी चोटी पर जो गार थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, हुजूर की अंधेरी गार है, हो सकता है कि इस गार के अंदर कोई दरिंदा छुप कर बैठा हो या कोई सांप या कोई बिच्छू कोई खतरनाक जानवर हो, तो पहले मैं अंदर जाता हूं और देखता हूं और सफाई करता हूं, आप बाहर तशरीफ रखिए फिर मैं आपको बुला लेता। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर गए, देखा कि गार में जगह जगह सुराख थे, आपके पास जितने कपड़े थे वो फाड़ फाड़ के सुराखों में देने शुरू कर दिए, कपड़े खत्म हो गए और एक सुराख बाकी रह गया, उस सुराख में देने के लिए अब कोई कपड़ा नहीं है। ख्याल किया कि इस पर अपने पांव की एड़ी रख लूंगा, अगर कोई जानवर होगा तो वो मुझे काटता रहेगा लेकिन मेरी ये एड़ी सुराख से नहीं निकलेगी, जान निकल जाएगी मगर एड़ी नहीं निकलेगी, परवाह नहीं। सरकार को अंदर बुला लिया, इस वक्त अंदर बुला लिया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हारे कपड़े किधर गए? अर्ज किया, हुजूर देखिए इस गार में जगह जगह सुराख है, मैंने उन सुराखों को बंद किया और सारे कपड़े उन सुराखों में दे दिए, एक सुराख बाकी रह गया उस पर अपने पांव की एड़ी रखूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मेरे इस प्यारे दोस्त ने मुझे कंधों पर उठा के चढ़ाई चढ़ी और अब सारे कपड़े फाड़ फाड़ के सुराखों में दे दिए और अब अपनी एड़ी लग के बैठ रहा है, या अल्लाह इसको ये दर्जा दे के ये जन्नत में मेरे साथ रहे। इसको जन्नत में वही दर्जा और वही मकाम अता फरमा जो मुझे अता फरमाएगा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मेरे हबीब तेरी दुआ कबूल है, हम जन्नत में सिद्दीक अकबर को भी तेरे साथ ही रखते हैं। दुनिया में भी साथ, रौजे में भी साथ
और जन्नत में भी साथी। इसी वास्ते डॉक्टर इकबाल जैसे मुफक्किर ने दो शेर कहे हैं सिद्दीक अकबर की शान में कमाल कर। फरमाते हैं, आमनन नास पर मौलाए मां, गली में अव्वले सीनाए मां। और फरमाते हैं के हिम्मत कष्टे मिल्लत राचू अब्र और सानिये इस्लामो गारो कब्रो हश्र। फरमाते हैं वो अबू बकर सिद्दीक जिसके हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा एहसान है, वो जो सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाने वाला है, वो सिद्दीक अकबर जो सबसे पहला साथी और फिर गार में साथी और फिर कब्र में साथी और फिर हशर में भी साथी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख में एड़ी रख दी और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में ले लिया। ये नहीं कहा हुजूर मैंने आपको कंधों पर उठाया है, चढ़ाई चढ़ा हुआ, मैं थक गया हूँ, तो अब मैं जरा थोड़ी देर आराम कर लूंगा और आप जरा बैठिए जागिए ख्याल रखिए। नहीं, अर्ज किया हुजूर ये मेरा जानू हाजिर है, मेरे जानू पर अपना सरे अनवर रख लीजिए और आराम कीजिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना सरे अनवर सिद्दीक अकबर की रान पर जानू पर रख दिया और आराम करने लगे। उस वक्त कैफियत ये थी कि दो जहान की रहमतें सिद्दीक अकबर की आगोश में पड़ी हुई और सिद्दीक की आंखें थी और चेहरा मुस्तफा देख रहे थे, दीदार कर रहे थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी मोहब्बत वाले ने गार के नक्शे को चंद अशार में पेश किया, मैं आपके सामने पेश करता हूं, मेरे साथ मिलकर पहला शेर पढ़ते रहिए। फरमाते हैं, देखिए तो वो घर का मंजर कौन है बैठा गोद में लेकर, देखिए तो वो घर का मंजर कौन है बैठा गोद में लेकर, सरवरे आलम सरे अतहल रदी अल्लाह ताला अनहो सबरो रदी अल्लाह ताला अनहो रदी अल्लाह ताला अनहो मौलाना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अनहो नबियों के बाद हैं सबसे बेहतर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एड़ी रखती सांप के बिल पर जहर का सदमा सहलिया दिल पर, एड़ी रखती सांप के बिल पर जहर का सदमा सहलिया दिल पर, सब कुछ है ये खातिरे दिल पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। यार के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदके करने वाला, यार के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदके करने वाला और मंजिले इसको सिद्क कर।
उस गार में एक सांप रहता था। सांप आया जिस सुराख पर आए कपड़ा। अब कपड़े को वो काटे, डंग मारे तो क्या असर होगा। एक सुराख पर आया तो एड़ी थी, गोश्त था, उसने काटा। उसके जहर से आपकी आंखों से पानी जारी हो, जहर की शिद्दत से आंखों से पानी जारी हो गया। जब आंखों से चंद कतरे गिरे तो कहां गिरे, सरकारे दुआलम अलैहिस्सलाम के रुखसारों पर, सरकार गोद में जो पड़ेंगे, सरकार के चेहरे पर वो पानी के चंद कतरे गिरे। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के किसी बादशाह के खजाने में ऐसे मोती नहीं होंगे जैसे मोती अबू बकर सिद्दीक की आंखों से निकले। दुनिया के बादशाहों के खजानों में जो मोती होती हैं, उनको कहां जगह मिलती है? किसी बादशाह के ताज में या किसी देवर में या किसी बादशाह की हथेली पर सिद्दीक अकबर की आंखों से जो मोती निकले थे, उनको जगह मिली मुस्तफा के रुखसारों पर। अल्लाह यार, हक यार, यार हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आंखें खोली, फरमाया अबू बकर क्या बात है? अर्ज किया हुजूर सांप है जो मुझे काट रहा, उसने मुझे काटा है, जहर की शिद्दत से मेरी आंखों से ये पानी जारी हो गया। फरमाया पैर हटाओ। हुजूर किस तरह हटाऊं वो बाहर निकल के, आपको कहीं काट ना ले? फरमाया नहीं, वो काटता नहीं, तुम पांव हटाओ। हुजूर का हुक्म था, सिद्दीक अकबर ने पांव हटाए, सांप ने बाहर निकल के सरकारे दो आलम की बारगाह में सलामों ने आज का हदिया पेश किया। फरमाया तूने मेरे दोस्त को क्यों काटा? सांप ने कहा या रसूलल्लाह, मुद्दतें गुजर गई हैं इस गार को मस्कन बनाए हुए, इस गार में रहते हुए सिर्फ इसलिए इस गार को अपना मस्कन बनाया था कि आपका दीदार करूंगा। मुझे मालूम हुआ था, मैंने एक राहिब से सुना था कि नबी ये आखिरुज़्ज़मान जब हिजरत फरमाएंगे तो फलां पहाड़ की गार में क़याम करेंगे। उस दिन से मैंने इस गार को अपना घर बना लिया, रोजाना बाहर निकल के आपको देखता था। उम्र गुजर गई आपका इंतजार करते हुए, और जब मुराद के पूरे होने का वक्त आया तो किसी ने रास्ते ही बंद कर दिए। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक ही तो आपके आशिक नहीं है, हम भी तो आशिक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या करता, अपनी फितरत से मजबूर होकर मैंने काटा है, वरना मैं आपके दीदार से महरूम रह जाऊं। इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। किसी शायर ने इस मकाम पर भी शेर कहा, उस सांप के जज्बात की तर्जमानी की है। सांप ने कहा आसे आसे उम्र गुजारी, आसे आसे उम्र गुजारी, ते चले खार हजारा, ओ माली बाग नहीं देखन देंदा, आया जदों बहारा। हुजूर आज तो मेरी मुराद के पूरा होने का दिन है, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, मैंने मजबूर होकर काटा है, यही तो आपके आशिक नहीं, हम भी आशिक हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, तुमने हमारा दीदार कर लिया, जाओ। सांप चला गया, जहां सांप ने काटा था हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां अपना गवाह बेदहन लगा दिया। उसी वक्त शिफा हो गई और वो तकलीफ खत्म हो गई। देखिए ये भी अल्लाह ताला की हिकमत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़े से उस वक्त जहर की शिद्दत और उसका असर जाता रहा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त आया तो अल्लाह के हुक्म से उस जहर ने फिर अपना असर दिखाया।
और उसी जहर की शिद्दत में आपकी वफात हुई। हिकमत रब्बानी ये थी कि सिद्दीक अकबर को शहादत का रुतबा भी मिल जाए। और ये फना फिर रसूल होने की दलील है। आपको मालूम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी जहर दिया गया और उस वक्त जहर ने असर नहीं किया था, ये सरकार का मौजदा था। वफात शरीफ के वक्त उस जहर ने असर किया और उसी जहर के असर से सरकार दो आलम की वफात शरीफ हुई। जिस तरह सरकार को जहर दिया गया और उसका असर आखिर में जाहिर हुआ और उसी असर में वफात हुई। सिद्दीक अकबर को भी सामने काटा, जहर अंदर दाखिल किया और उसका असर भी आखिर वक्त में जाहिर हुआ और उसी में आपकी वफात हुई। शहादत का रुतबा मिला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जान कुर्बान की। देखिए, जान की हिफाजत सबसे बड़ा फर्ज है। अगर कोई जान की हिफाजत करता हुआ मारा जाए तो वो शहीद है, तो जान की हिफाजत तो बड़ा फर्ज है। तो बोलो, सिद्दीक अकबर ने जान कुर्बान की या नहीं की? सांप ने काटा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआबे दहन लगा के करम कर दिया, मगर सिद्दीक अकबर ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। देखो, माल भी कुर्बान किया। माल कुर्बान इस तरह किया कि सारा घर का घर ही उठा कर लिया। जान भी कुर्बान की, औलाद भी कुर्बान की। मियां से आबाए किराम ने यूं ही सबसे बड़ा नहीं तस्लीम कर लिया। 1,24,000 सहाबा ने सिद्दीक अकबर की खिलाफत और इमामत पर इत्तेफाक किया। सबने यूं ही इत्तेफाक नहीं कर लिया था, वो जानते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर के असहाब में सबसे बुलंद मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह यार। ये जो गार में जान कुर्बान की, ये इतनी बड़ी नेकी है कि इस नेकी का दर्जा और मर्तबा खुद रसूलुल्लाह से पूछो। सुनिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तारों भरी रात थी, चांद की आखिरी तारीखें थी और आसमान पर बेशुमार तारे जगमग जगमग कर रहे थे। फरमाती है, मैंने यह किया, हुजूर आप पर निसार हो जाएं, जितने आसमान पर तारे हैं किसी शख्स की इतनी नेकियां भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, उम्र फारूक की इतनी नेकियां, उम्र फारूक की नेकियां तारों के बराबर। उम्र मोमिनीन फरमाती हैं, मेरा ख्याल ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे बाप का नाम लेंगे, लेकिन जब हुजूर ने हजरत उमर का नाम लिया तो मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद अर्ज किया कि हुजूर फिर मेरे बाप की कितनी नेकियां हैं, उनकी कम है या ज्यादा है? सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जितने आसमान पर तारे हैं उतनी नेकियां उम्र फारूक की है, और तेरे बाप की वो एक नेकी गारे सौर वाली एक तरफ और हजरत उमर की सारी नेकियां एक तरफ। या रसूल अल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछो कि ये कितनी बड़ी नेकी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। सरकार फरमाती है, हजरत उमर की तारों के बराबर नेकियां एक तरफ और हजरत अबू बकर भी की वो गारे सौर वाली नेकी एक तरफ। ऐसे ही सहाबा किराम ने नहीं तस्लीम कर लिया और ऐसे ही हुजूर ने नहीं फरमा दिया था कि मेरी जगह पर खड़ा होकर सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाए। सरकार ने यूं ही उनको इमाम नहीं बना। लो सुनो, आप हुजूर अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर गार में, काफिर ढूंढते हुए पीछे आ गए। वो जो 40 जवान खड़े हुए थे ना मकान का मुहासरा करके, वो अभी खड़े हुए, शैतान आया एक आदमी की शक्ल में मुतशक्ल होकर कहने लगा, क्यों खड़े हो? कहने लगे, बाजार नहीं छोड़ना, खत्म कर देना। शैतान ने कहा, बेईमान देव पुत्रो,
ओए अपने सर को देखो, ओ खबीसो, वो तो कुरान पढ़ता हुआ अपनी रिसालत के डंके बजाता हुआ तुम्हारे सरों पर खाक डाल के गया। सरों को हाथों लगाओ। उन्होंने जब सरों पर हाथ फेरा तो सबके बालों पर मट्टी पड़ी हुई, सब ने अपने बाल झाड़े तो मट्टी गिर रही है। मालूम हुआ सारे ही नंगे सर थे, क्योंकि अगर टोपियां होती तो मट्टी पड़ती टोपियों पर, वो टोपियां झाड़ते, और इमामे होते पगड़ियां होती तो वो पगड़ियां झाड़ते। उन्होंने बाल जब झाड़े तो मालूम हुआ कि सारे ही नंगे सर थे। तो याद रखो, नंगे सर रहना ये मुसलमानों का काम नहीं है। मियां, पहले कोई आदमी नंगे सर फिरता था तो मायूब समझा जाता था, और आज तो औरतें नंगे सर फिर रही है। ये नंगे सर फिरना अच्छी आदत है। और ये जो मजलसे हैं ना, अहले सुन्नत व जमात की मजलसे, इन मजलसों में नंगे सर ना आया करो। सरों पर टोपियां पहन के, इमामे बांध के, सरों को ढक के आया करो। बाहर सूरत शैतान ने कहा वो तो चला भी गया और तुम्हारे सरों पर खाक डाल के गया। अच्छा, उन्होंने अपने बड़ों को आकर बताया, वो जो रास्तों पर बैठे हुए थे उनसे पूछा गया, जिस रास्ते से उन्होंने तशरीफ ले गए थे वहां जो दो आदमी थे उनको बुलाया, कमबख्तों तुम्हारे सामने से वो निकल गया, तो तुम काहे के लिए लाठियां और तलवारें लेकर बैठे हुए। वो कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां गया, वो तो अबू बकर बिन अबी को हवा गया है कि उनके साथ जो थे, कि उनका साथ तो उनका हादी और रहनुमा था, तो बेवकूफ हो ही तो था। उनका हमें क्या पता था, वो तो कहा ये तो मेरा हादी है। खैर, पीछे गए, खोज लगाते हुए पहाड़ तक पहुंच गए। इधर उधर देखा तो ऊंटों के पैरों के निशान नहीं थे, पहाड़ तक थे। कहने लगे कि इसी पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं और इस पहाड़ के अंदर कोई गार होगी, उसी में ऊपर चढ़े। बिल्कुल गार के मुंह के पास पहुंच गए, ऊपर खड़े हुए। सिद्दीक अकबर ने देखा और इशारे से अर्ज किया, हुजूर आप अगर इन्होंने यूं ही जान लिया, देख लिया, तो हम तो नजर आ गए। और कैफियत ये थी कि ये तो गार के अंदर थे। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, मगर जाहिर असबाब पर नजर करते हुए, जाहिर हालात पर नजर करते हुए आप समझ सकते हैं कि गार के अंदर कहीं दूसरी तरफ निकलने का तो रास्ता नहीं था। जो बाहर निकलने का रास्ता है वहां दुश्मन खड़े हुए और वो बाहर है और हुजूर अंदर है, और बार वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर डाल के मुंह बंद कर सकते हैं, कई सूरतें इख्तियार कर सकते हैं, तो वो बड़ा नाजुक वक्त। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ी फिक्र हुई, ये फिक्र अपनी नहीं थी, बड़ा गम पैदा हुआ, ये गम अपना नहीं था, सरकारे तो आलम का, सरकार पर तो वो अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। अपना गम होता तो सांप के बिल पर अपनी एड़ी क्यों रखते। सरकार का गम था कि अगर दुश्मनों ने देख लिया तो क्या। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये गम लाहिक हुआ कि कहीं दुश्मन देख न ले और मेरे आका को तकलीफ न पहुंचाए, तो जब उन्होंने हुजूर की तरफ इशारा किया कि हुजूर दुश्मन आ गए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, साने यस नई ने इजो माफिल गार, दो में का दूसरा जब वो दोनों गार में थे, इद यकूलो ले साहिब ही, जिस वक्त वो नबी अपने साहिब से कह रहे थे, ला तहजन ओ मेरे रफीक तू गम ना खा, ओ मेरे प्यारे तू गम ना खा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह जो हमारे साथ। अबू बकर तू गम खा रहा, तू मेरे गम में इस कदर परेशान क्यों है, अल्लाह हमारे साथ है, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। देखिए जरा गौर कीजिए,
अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साहिब कहा। साहिब इद यकूलो ले साहिबे ही, जब वो नबी अपने साहिब से कह रहे थे, कुरान से साबित हुआ कि सिद्दीक अकबर नबी करीम के साहिब हैं। और साहिब बड़ी इज्जत का लफ्ज़, यही लफ्ज़ अल्लाह ने अपने नबी की शान में फरमाया। वन्नत में हिदा हवा मा कल्ला साहिबुकुम व मा गवा, अल्लाह ताला ने नबी करीम को हमारा साहिब कहा, नबी करीम हमारे साहिब और सिद्दीक अकबर नबी करीम के साहिब। तो कुरान से साबित हुआ कि सिद्दीक अकबर नबी करीम के साहिब, उनका साहिब रसूल होना तो कुरान से साबित है। जो उनके साहिब रसूल होने का मुनकिर है वो कुरान का मुनकिर है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को नबी करीम का सानी कहा। सानी यसनैन, दो में से दूसरा, वो दूसरा कौन था? अबू बकर सिद्दीक। तो अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने क्या फरमाया? सानी। किसका सानी? नबी करीम का। और सानी कहती है दूसरे को, जब अल्लाह उनको दूसरे नंबर पर रख रहा है तो हम किस तरह उसको दूसरे नंबर पर ना रखें। हम भी यही कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो सिद्दीक के अंदर का। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। तीसरी बात ये है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह माना, ये नहीं फरमाया मानी कि अल्लाह मेरे साथ है, तू मेरा गम न खा, अल्लाह मेरे साथ, नहीं, फरमाया माना अल्लाह हमारे साथ, मेरे साथ भी है, तेरे साथ, हम दोनों के साथ। मालूम हुआ कि जैसी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की माहियत हासिल है, वैसी ही अबू बकर सिद्दीक को भी हासिल है। अल्लाह ताला दोनों के साथ है, दोनों को अल्लाह ताला की माहियत हासिल है। ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत व शान की बहुत बड़ी आयत। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह का फजल है जिसको चाहे अता करता है। आप देखिए, काफिर खड़े हुए हैं गार के मुंह पर, अल्लाह ताला ने मकड़ियों को हुक्म दे दिया कि जल्दी जल्दी जाला तन दो। मकड़ियों ने गार के मुंह पर जाला तन दिया। अल्लाह ताला ने एक कबूतरी को हुक्म दिया कि तू अंडे दे दे, उसने मकड़ी के जाले में अंडे दे दिए। काफिर गार के मुंह पर खड़े हुए कह रहे हैं भाई इसी के अंदर ही गए, बस इस गार के अंदर ही गए और किसी तरफ नहीं गए। जब एक दो ने ये कहा तो बाकी कहने लगे कि वो नबी सच कहता है कि तुम बेवकूफ, वाकई तुम बेवकूफ, और बेवकूफ हो कुछ सोचो तो नहीं, मामला तो है आज रात का। अगर वो इस गार के अंदर गए होते तो ये जाला कैसे रह सकता था, ये अंडे कैसे रह सकते थे, यही तो रास्ता है अंदर जाने का। तो अगर दो आदमी अंदर गए हों तो ये जाला नहीं रह सकता था, ना अंडे रह सकते थे। ये तो जाला बता रहा है कि इसके अंदर कोई गया ही नहीं, जाओ कहीं और जगह ढूंढो, वक्त जाया ना करो, आओ आओ, इधर नहीं गए। अगर गए होते तो ये जाला और ये अंडे कैसे होते, वहां से भाग गए। अल्लाह ने उनका मुंह भेद दिया। बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि वो कबूतरी जिसने अंडे दिए थे, उस कबूतरी को इस खिदमत का सिला ये मिला कि आज हुजूर के रोजे पर और बैतुल्लाह शरीफ पर जो कबूतर रहते हैं वो उसी की औलाद है। अल्लाह अगला के हकीकी तौर पर तो सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, मगर वो सबब तो बनी और अल्लाह ने उसका सिला ये दिया कि इतना अरसा हो गया आज भी उसकी औलाद के लिए चारों तरफ से रिजक जा रहा है। जो लोग जाते हैं हज जियारत के लिए, लोग कहते हैं मियां ये 2 रुपए ले जा, कबूतरों को दाने ना देते हैं, यदि पैसे। दुनिया भर से सरकार के गुलाम उन कबूतरों के दानों के वास्ते पैसे देती है, क्योंकि कबूतरी ने खिदमत की अंडे दिए। अल्लाह, चलिए साहब
आगे चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत अजमत और शान की एक और बहुत बड़ी आयत पेश करता हूं, आप हजरात बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। इस आयत के साथ एक बड़ा अहम मसला भी पेश करता हूं, क्योंकि बाद लोग हर जगह इसको पेश करते हैं और जाहिल और नादान लोग जिनको इल्म भी नहीं होता वो भी जगह जगह यही कहते फिरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मसले को आप हजरात के सामने पेश करूं। असल में इस मसले को आयाए करीमा का शान नुज़ूल समझें। आप हजरात को मालूम है, सुना होगा आपने कि मदीना तैयबा में जो मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी, उन्होंने मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी। वाकया इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब सफर फरमाते थे तो अपनी एक बीवी को अपने साथ रखते थे। इसमें बहुत सी हिकमतें थी, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सबके नबी और रसूल बनकर आए थे। जब हुजूर दूसरे मुल्कों में दूसरे इलाकों में जाते थे तो लोग आपसे मसले पूछते थे, औरतों के भी मसाइल होते थे और औरतों के अक्सर मसाइल पोशीदगी से ताल्लुक रखते हैं। तो सरकार अपनी एक बीवी को इसलिए साथ रखते थे कि अगर किसी औरत ने कोई मसला पूछना हो तो वो बिना झिझक मेरी बीवी से पूछे और मेरी बीवी मुझसे पूछकर उसको जवाब दे दे, ताकि सब लोग फैज याब हो जाएं और दीन के मसाइल सब तक पहुंच जाए। तो सरकार एक बीवी को जरूर साथ रखते थे और बीवियों के दरमियान कुरा डालते थे, जिसका नाम निकल आता उसको साथ लेते। और बीवियां जानती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत आयशा सिद्दीका से ज्यादा मोहब्बत, तो वो कुर्बानी देती थी और कहती थी, या रसूल अल्लाह अगर ये हमारा नाम निकल आया है मगर हम अपनी खुशी से अपना हक हजरत आयशा को देती हैं, आप उनको ले जाए। क्योंकि वो जानती थी कि हुजूर को हजरत आयशा से ज्यादा मोहब्बत है, इस तरह वो हुजूर की रजा और खुशनूती हासिल करती थी। तो अक्सर सफर में हजरत आयशा सिद्दीक का साथ होती थी रदी अल्लाह ताला अन्हा। और सरकार जब सफर फरमाते थे, खुसूसन जबकि सहाबा किराम भी साथ होते थे, तो तरीका ये होता था कि एक आदमी आगे आगे होता था, चार पांच मील वो आगे आगे रहता और एक आदमी चार पांच मील पीछे पीछे होता था। इसलिए कि अगर आगे कोई दुश्मन का ऐसा खतरा हो तो आगे वाला उसको देखकर फौरन वापस आए और आकर इतला दे, और पीछे वाले की ये ड्यूटी होती थी कि अगर काफिले की कोई चीज गिर गई हो तो वो उठाता है, अगर पीछे कोई ऐसे खतरनाक हालात पैदा हो जाए तो वो किसी तरह उनको टाले और फौरन आकर इतला होता। तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, एक जगह हुजूर ने थोड़ी देर के लिए कयाम फरमाया। माई साहिबा के लिए यह इंतजाम होता था कि एक कुजावा कुजावे के ऊपर कपड़े डालकर बड़ा अच्छा पर्दे का इंतजाम होता था, और वो कुजावा इस तरह का था कि उसके अंदर आदमी बैठ भी सकता था, लेट भी सकता था और ऊपर पर्दा होता था। तो माई साहिबा उस कुजावे के अंदर होती थी और वो कुजावा ऊंट के ऊपर होता था। तो जब सरकार ने एक जगह थोड़ी देर के लिए कयाम फरमाया तो माई साहबा अपने कुजावे से निकली, क्योंकि आपका कुजावा एक अलग जगह पर एक तरफ रखा जाता है। माई साहबा कुजावे से निकली और अपनी किसी आदत के सिलसिले में कुछ दूर तशरीफ ले गई। इधर पीछे सरकार ने पूछ का हुक्म दे दिया, चलने का हुक्म दे दिया,
सहाबा इकराम ने माई साहबा को जाते हुए नहीं देखा, ये ख्याल ही नहीं किया कि माई साहबा अंदर है या नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र शरीफ कुछ ज्यादा नहीं थी और वजूद भी हल्का फुल्का था और वो कुजावा बड़ा भारी किस्म का बना हुआ था। उन्होंने उठाया और ऊंट के ऊपर रख दिया और काफिला चल पड़ा और माई साहबा बाहर गई नहीं। जब वो वापस आई तो देखा कि काफिला नहीं, तो वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने ख्याल किया कि अगर मैं चल पड़ू पैदल तो मुझे रास्ता मालूम नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और ही तरफ चल पड़ू, बेहतर यह है कि मैं यहां बैठी रहूं। थोड़ी दूर वो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि मैं कुजावे में नहीं हूं तो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। और जंगल भी या बांध था, कोई आम रास्ता तो था नहीं कि आजकल की तरह मोटरें कारें इस तरह लोग जाते आते। माई साहबा बैठी हुई थी तो वो सहाबी जो पीछे आ रहे थे, जिनकी ड्यूटी पीछे थी, वो जब वहां पहुंचे और उन्होंने माई साहबा को देखा तो उन्होंने फरमाया सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि ये क्या बात है, आप यहां कैसे रह गए, सुभान अल्लाह। जैसे कोई शख्स नमाज में भूल जाए तो पीछे मुक्तदी कहते हैं ना सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल ने कहा सुभान अल्लाह। तो माई साहबा ने कहा कि इस तरह मैं अपने कुजावे से निकलकर अपनी हाजत को रफा करने के लिए इधर गई थी और दूर चली गई कि बिल्कुल ही कोई कतान न देख सके। तो वो पीछे से तशरीफ ले गए, मैं वापस आई तो यहां काफिला नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने अपने ऊंट को बिठाया और उतर कर एक तरफ खड़े हो गए और कहा कि आप बैठ जाएं और मैं आगे आगे चलता। उनको तो रास्ता मालूम, माई साहबा ऊंट के ऊपर बैठ गई और वो सियापी आगे आगे चले, यहां तक के काफिले में पहुंच गए। और ये आप याद रखिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि नबी की बीवी मोमिनों की मां, और सहाबा किराम तकवा और परहेजगारी के उस मकाम पर पहुंच गए थे कि कोई वली कुतुब गौस भी नहीं पहुंच सकता। तो सहाबा किराम जैसे मुत्तकी परहेजगार और उधर नबी करीम की पाक बीवी जो उनकी मां थी, तो मां के मुतल्लक तो करोड़वां हिस्सा भी कोई अपने दिल में अगर ऐसा ख्याल लाए तो आप समझ सकते हैं कि वो लायक बेटा नहीं समझा जा सकता। बाहर सूरत काफिले में जा मिले, मुनाफिकों को इस बात का पता चला तो जालिमों ने अपने खुबसे बातनी को जाहिर करते हुए माद अल्लाह माई साहबा पर तोहमत लगा। जब तोहमत लगी तो उन जालिमों ने इसको बहुत उछाला, हर हर गली गली कूचा बकूचा इसका जिक्र किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका को फरमाया कि तुम चंद दिनों के लिए अपने वालिदैन के घर चली जाओ। हजरत आयशा चली गई। ये है वाकया, मुनाफिकों ने जो तोहमत लगाई। जो मैंने मजमून पेश करना है जिसका ताल्लुक है हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत से, वो तो बाद में मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां मैं एक बात करता हूं, जो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के इलम के मुनकिर हैं, उन्होंने किताबों में भी ये बात लिखी है और अपने हर चेले को यही सिखा रखा कि हजरत आयशा पर तो मतलब ही तो हुजूर को इलम नहीं था, हुजूर को पता नहीं था। आप वाक्य को सुन चुके, इस वाक्य को सुनकर कोई मुसलमान भी किसी किस्म का ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकता कि जाए कि सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम जो आलिम मा काना व मा यकून है, उनके मुतल्लक ये कहा जाए कि सरकार को असल हकीकत का पता नहीं था। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि हुजूर को इलम नहीं था, मैं कहता हूं ये जाहिल है, इनको इलम नहीं, इन्होंने असल हकीकत को समझा ही नहीं। आइए मैं अर्ज करता हूं,
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जब मैं आपके सामने असल हकीकत को पेश करूंगा तो आपके जिस्म का एक बाल बाल शहादत देगा कि हुजूर को यकीनी कतई इलम था। और जो लोग कहते इलम नहीं था उनका कोई मकसद था या नहीं था? क्या बगैर मकसद के उन्होंने ऐसा किया? उनका मकसद क्या था? क्या वो माई साहबा को बदनाम करना चाहते थे या कोई और मकसद था? तो तवज्जो से ये बात सुनिए। असल बात ये थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को ये तालीम दी थी कि जो अल्लाह का सच्चा नबी होता है उसकी बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती, उसकी बीवी कभी फाहिशा नहीं हो सकती। काफिरा हो सकती है, फाहिशा नहीं हो सकती। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की कोई बीवी काफिरा भी नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया था कि नबी की बीवी कभी फाहिशा नहीं हो सकती, और जिसकी बीवी फाहिशा हो वो नबी ही नहीं हो सकता। नबी की बीवी कभी फाहिशा नहीं हो सकती, और जिसकी बीवी फाहिशा हो वो नबी नहीं हो सकता। ये अकीदे का मसला है, और सब मुसलमान जानते हैं कि आमाल की तालीम से पहले अकायद की तालीम हुई थी। अकायद की तालीम मक्का मुकर्रमा में हो चुकी, और ये वाकया है मदीना तैयबा का, सहाबा किराम का भी अकीदा था, और मुनाफिक जो साथ रहते थे उनको ये मालूम था कि नबी की ये तालीम है कि नबी की बीवी कभी फाहिशा नहीं हो सकती और जिसकी बीवी फाहिशा हो वो नबी नहीं हो सकता। तो सुनिए, उनका असल मकसद ये था कि पहले तो लगाओ तोहमत और उसका करो चर्चा, बाद में मंतकी तौर पर ये नतीजा निकाल लेंगे कि नबी की बीवी तो ऐसी हो नहीं सकती, और जब इसकी बीवी ऐसी है तो ये नबी ही नहीं है। उनका असल हमला माई साहबा पर नहीं था बल्कि नबी करीम की नबुव्वत पर था। वो हर वो पहलू और तदबीर इख्तियार करते थे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के नबुव्वत को कमजोर करते, नबुव्वत के पहलू को कमजोर करते। तो असल में उनका हमला सरकारे दो आलम की नबुव्वत पर था कि ये नबी ही नहीं है, अगर ये नबी होते तो इनकी बीवी माजल्ला है जी ना। ये था उनका मकसद, जिस मकसद के पेशे नजर उन्होंने तो मत लगाई। अब आप हजरात जरा गौर करके मुझे बताइए कि जिस नबी ने खुद ये तालीम दी थी कि नबी की बीवी कभी ऐसी हो ही नहीं सकती, बोलो उस नबी को अपने नबी होने का यकीन और इलम था या नहीं? जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने नबी होने का यकीन और इलम था तो इस बात का भी यकीन और इलम था कि मेरी बीवी पाक है, क्योंकि हुजूर ने तो खुद ये तालीम दी थी कि नबी की बीवी कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। अगर ये कहा जाए कि हुजूर को इलम नहीं था तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि हुजूर को अपने नबी होने का भी इलम नहीं। और जब नबी होने का इलम यकीनन कतअन था तो इस बात का इलम भी कतअन और यकीनन था कि मेरी बीवी पाक है। अब अंदाजा करो कि जो लोग कहते हैं हुजूर को इलम नहीं था, इनकी बात का नतीजा यह निकलता है कि फिर नबी करीम को अपने नबी होने का भी इलम है। अगर यह कहा जाए कि शुबा था तो जितना शुबा उधर मानोगे उतना शुबा नबुव्वत के इलम में भी मानना पड़ेगा। अब अंदाजा करो इन लोगों की जहालत और नादानी का कि इनको इतनी भी समझ नहीं है कि जब नबी करीम ने खुद ये तालीम दी थी कि नबी की बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती और हुजूर को ये यकीन था कि मैं नबी हूं तो इस बात पर का भी यकीन था कि मेरी बीवी पाक है वो कभी ऐसी नहीं हो सकती। चुनाचे अल्लाह ताला भी इसीलिए फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मुसलमानों जब मुनाफिकों ने ये बात उड़ाई थी तो तुमने सुनते ही क्यों ना कह दिया
सुभानक हाजा कुत्ताहु माजी, तुमने क्यों ना कह दिया? क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि नबी की बीवी कभी ऐसी हो ही नहीं सकती, और मेरा नबी सच्चा नबी है। तो अल्लाह ताला तो मोमिनों को फरमाता है कि जब मुनाफिकों ने ये बात उड़ाई थी तो तुमने फौरन ये कहना था हाजा बोहतान अजीम, ये बोहतान अजीम है, कभी ऐसा हो ही नहीं। अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं? हुजूर का इल्म नहीं, बेड़ा गर्क हो गया इसका। हुजूर को इल्म ही नहीं था अपनी बीवी, इनको इल्म है अपनी बीवियों का। ये हमारी बीवियां कैसी हैं और सैयदुल अंबिया को पता ही नहीं। ये लोग मुंह से बात निकालते हुए सोचते नहीं, डरते नहीं कि हम किस हस्ती के मुतल्लिक ऐसी बात कह रहे हैं और उसका अंजाम क्या। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये क्या कहते हैं कि अगर हुजूर को इलम था तो हुजूर ने क्यों ना फरमा दिया कि मेरी बीवी पा गया। जब तक वही नहीं आई हुजूर को इलम नहीं हुआ, वही आने के बाद इलम हुआ। अगर इलम होता तो हुजूर वही आने से पहले फरमा देते कि मैं जानता हूं। तो आओ, मैं इतने बड़े मजमे में दावे के साथ ऐलान करता हूं कि वही आने से एक महीना पहले मेरे नबी ने ऐलान फरमाया कि खुदा की कसम मैं जानता हूं मेरी बीवी पाक है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। सही बुखारी शरीफ के अंदर जहां ये तोहमत का बयान है वहीं पर के देख लो, वही आने से एक महीना पहले सरकार ने अपने सिहाबा के मजमे में फरमाया फवल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, खुदा की कसम मैं जानता हूँ मेरी बीवी में खैर के सिवा कुछ नहीं, खैर ही खैर है, शर का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। सरकार ने खुदा की कसम खा के फरमाया कि मैं जानता हूँ मेरी बीवी पाक। और ये लोग कहते हैं हुजूर को इल्म नहीं, हुजूर खुदा की कसम खा के फरमाते हैं कि मैं जानता हूं। सुनिए जरा गौर के साथ सुनिए, हुजूर ने सहाबाए किराम से पूछा, ये बड़ा नाजुक मौका था, इम्तिहान का वक्त था। सहाबाए किराम से पूछा, मेरे साहबियों तुम्हारा इस मामले में क्या ख्याल है? हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देते, अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं कि नजासत पर बैठने वाली मक्खी आपके जिस्म पर या आपके लिबास पर बैठ जाए। जो अल्लाह नजासत पर बैठने वाली मक्खी को आपके जिस्म के साथ नहीं लगने देता, वो ऐसी बीवी को कैसे लगने दे सकता था जिसका करेक्टर दुरुस्त ना होता। अल्लाह यार, हुजूर हमारा ईमान और यकीन है कि आपकी बीवी पाक। ये जालिम जिन्होंने तोहमत लगाई है, ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हमारा ईमान है कि आपकी बीवी पाक है। जब अल्लाह आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देता तो अल्लाह आपके लिए ऐसी बीवी को कैसे पसंद कर सकता था, क्योंकि बीवी तो मर्द का लिबास होगी। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। तो जब अल्लाह आपके लिबास पर मक्खी नहीं बैठने देता तो आपका लिबास कैसे हो सकता था ऐसा जिसके मुतल्लक किसी किस्म का कोई शक शुबा हो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके साये को जमीन पर नहीं डाला कि कोई काफिर अपना पांव ऊपर ना रखे। जब अल्लाह ताला आपके साये का इतना लिहाज और ख्याल करता है तो सहाबाए किराम ने अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। सरकार ने खुदा की कसम खा के फरमाया वही आने से एक महीना पहले के मैं जानता हूं मेरी बीवी पाक। अब बताइए, जो लोग कहते फिरते हैं इल्म नहीं था, इनके मबलग इलम का अंदाजा कर दी। सुनिए सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। देखो, ये लोग कहते हैं कि हुजूर ने फैसला क्यों नहीं कर दिया, फैसला कर दिया है? ये सब कयासी बातें हैं, कोई दलील नहीं है कुरान हदीस, कयास है। इलम था,
तो वही आने से पहले क्यों नहीं कहा, इलम था तो फैसला क्यों नहीं कर दिया, इलम था तो गमगीन क्यों थे, तो क्यास है। तो अगर इस तरह क्यास अराइयां करने लगोगे तो अल्लाह के इलम का भी इनकार करना पड़ेगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अगर सरकार खुद फैसला फरमा देते तो दुश्मनों को यह कहने का मौका मिल सकता था कि हर मामले में तो वही उतरती है, आयत नाजिल होती है, तो अब इस मामले में क्यों नहीं आए तुकड़ी, अपनी बीवी का मसला था तो खुद ही फैसला कर दिया। अरे काफिरों की तसल्ली ना होती और वो तरह तरह के इंतराजात करते कि अपनी बीवी का मसला आया तो आयत का इंतजार नहीं किया, खुद ही फैसला कर दिया। सरकार ने फैसला इसलिए नहीं फरमाया कि अल्लाह फैसला करे, अल्लाह आयतें उतारे ताकि मेरी बीवी की अजमत और शान के जंके क्यामत तक बढ़ते रहे। वैसे अपने सहाबा को फरमा दिया कि खुदा की कसम मैं जानता हूं मेरी बीवी पाक है। जरा और सुनिए, ये तो बताइए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी थी तो किसने शहादत दी थी? एक बच्चे जो गहवारे का बच्चा, वशाहदा शाहिदुम मिन अहलिहा, बच्चे ने शहादत दी। हजरत मरियम पर तोहमत लगी तो किसने शहादत दी थी? हजरत ईसा अलैहि सलाम ने जो गोद के बच्चे थे। हजरत जुरैद एक बड़े आबिदो जाहिद हुए हैं, उन पर भी तोहमत लगी, बुराई की तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने गोद के बच्चे से शहादत दिलवाई। यूसुफ अलैहि सलाम नबी है, नबी पर तोहमत लगे तो अल्लाह बच्चे से शहादत दिलवाए। हजरत मरियम पर तोहमत लगे, अल्लाह बच्चे से शहादत दिलवाए। और हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगी तो खुद अल्लाह ने शहादत दी है। अल्लाह चाहता तो दरख्तों के पत्ते शहादत देते, पानी के कतरे शहादत देते, हवा की लहरें शहादत देती, दरिंदे और चरिंदे और परिंदे शहादत देते और बच्चे शहादत देते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे मैं जानता हूं कि ये हमला आयशा सिद्दीका पर नहीं डर पड़ता, तेरी नबुव्वत पर है, और जब तेरी नबुव्वत पर हमला होता है तो जवाब मैं दिया करता हूं, यहां भी शहादत है। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीका की शान में 10 आयतें उतारी। सूरह नूर पर कर देखो, कहते हैं हुजूर फिर परेशान क्यों थे? लो बोलो, काफिर कहते थे कि तू सच्चा नबी नहीं है और हुजूर परेशान होते थे, कुरान पढ़ के थे हुजूर रंजूर और मगमूम होते थे जब काफिर आपको कहते थे कि आप सच्चे नबी नहीं है, झुठलाते थे। तो क्या कहोगे कि हुजूर अगर सच्चे नबी होते आपको अपनी नबुव्वत का इलम होता तो आप परेशान क्या होते हैं? क्या इलम नहीं था अपने नबी होने का, तो फिर परेशान क्यों होते थे? अरे परेशान इस वजह से नहीं होते थे, और वजह थी, यहां भी परेशानी की वजह बेइल्मी नहीं है बल्कि और। तुमने तो कहा परेशान होना बेइल्मी की दलील है, मैं कहता हूं इल्म की दलील है। कैसे? बोलो, अगर किसी बेगुनाह पर तोहमत लगे और उसको सताया जाए और उसके साथ गहरी मोहब्बत हो तो फिर आदमी परेशान होता है या नहीं? किसी बेगुनाह को सताया जाए, किसी बेगुनाह पर तोहमत लगा दी जाए और वो हो परेशान, तो जिसका उसके साथ ताल्लुक होगा, जिसको उसके साथ मोहब्बत होगी, वो उसकी परेशानी की वजह से परेशान होगा कि बेगुनाह को सताया जा रहा है, मेरे प्यारे को सताया जा रहा है, किस वास्ते उसको परेशानी होगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को हजरत आयशा से बड़ी मोहब्बत थी और दुश्मनों ने बेगुनाह उनको सताया था। कितना सताया था? माई साहबा फरमाती है जब मुझ पर ये तोहमत लगी और जालिमों ने इसको उछाला तो 2 महीने तक मैं सो नहीं सका। माई साहबा फरमाती है पूरे 2 महीने मुझे नींद नहीं आई, ना कुछ खाने को दिल जाता था और ना पहनने को। और माई साहबा फरमाती है मैं हर वक्त ये पढ़ती थी फसबरुन जमीन वल्लाहु المستعان على ما تصفون। तो चूंकि माई साहबा सख्त परेशान कि जालिमों ने खामखा
मुझ पर तोहमत लगाई और मुझे सताया। ना वो सोती थी ना वो खाती थी, हर वक्त आंसू बहाती थी। उनकी परेशानी की वजह से हुजूर परेशान थे कि एक बेगुनाह को खामखा सताया जा रहा है, क्योंकि हुजूर को उनसे मोहब्बत थी। तो ये परेशान होना हजरत आयशा की परेशानी की वजह से था, बेइल्मी की वजह से नहीं। बाहर सूरह मैंने मसला आपके सामने पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह नजीर पढ़े लिखे हजरात समझ गए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को यकीनन इल्म था। एक दलील और भी पेश कर ही दूं क्योंकि ये तकरीर रखनी है, तो ऐसी दलील कि जिसका कोई जवाब ही ना हो सके। बोलो, नबी करीम की बीवियां नबी करीम के अहले बैत में दाखिल हैं या नहीं? यकीनन दाखिल। खुसूसन जो लोग ये कहते हैं ना कि हुजूर को इल्म नहीं था, वो तो कहते हैं कि बीवियां ही अहले बैत। बाहर सूरत ये एक मुसलमा बात है कि हुजूर की बीवियां हुजूर की अहले बैत में दाखिल, और वो तो बिल्कुल इस बात को मानती। तो जब वो नबी करीम की बीवियों को नबी करीम का अहले बैत मानते हैं तो आप कुरान की आए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्तुमुर रिज्सा अहलल बैते वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अल्लाह यही चाहता है कि ऐ नबी की अहले बैत तुमसे हर किस्म की आलूदगी को दूर रखे और तुम्हें पाक रखे जैसा के हक है पाक रखे। और बोलो इनकार करने वालों, बोलो हुजूर अलैहिस्सलाम का इस आयत के मुतल्लक ये अकीदा और ईमान था या नहीं कि अल्लाह मेरे अहले बैत को पाक रखेगा जैसा कि हक है पाक रखने का? अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक हुजूर का ये इल्म और यकीन और अकीदा था या नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे अहले बैत से हर किस्म की आलूदगी को दूर रखेगा? तो जब हुजूर को यकीन था, इल्म था कि मेरी बीवियां मेरे अहले बैत और अल्लाह मेरे अहले बैत से हर किस्म की आलूदगी दूर रखेगा और इनको पाक रखेगा जैसा कि हक है पाक रखने का, तो अगर ये कहा जाए कि हुजूर को अपने अहले बैत के मुतल्लक इल्म नहीं था, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि हुजूर को इस आयत पर यकीन नहीं था और इस आयत पर ईमान नहीं था। तो इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की है कि मैं आपको क्या बोलूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें पाकीदा अकीदों पर जिंदा रखे। आमीन। अहले सुन्नत व जमात की अकीदा पाकीदा अकीदे है, सलफ सालेहीन के यही अकीदे, इन्हीं अकीदों पर कायम रहो, पाबंद रहो, ना बेअदबों की बात सुनो, ना उनके पास बैठो और ना अपने ईमानों को बर्बाद करो। अच्छा साहब, ये जो माई साहबा पर तोहमत लगी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खालादाद भाई थे और गरीब मिस्कीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक ही उनकी किफालत करते थे। वो छोटी उम्र में ही मां बाप के साए से महरूम हो गए थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ही उनको पाला था, अबू बकर सिद्दीक ने ही उनकी किफालत की थी और खालादाद भाई भी थे। मक्के से हिजरत करके मदीने शरीफ भी आए थे, जंगे बदर में भी शरीक हुए थे, और जितने लोग जंगे बदर में शरीक हुए थे अल्लाह ने सबको बख्श दिया था। इनका नाम था हजरते मिस्ताह रदी अल्लाह तआला। साहबे बुजुर्ग थे, मुनाफिकों ने इनको बिठाकर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की इधर उधर की, इन्होंने मुनाफिकों की हां में हां मिला, यानी इस तोहमत के सिलसिले में मुनाफिकों की हम नवाई कर दी, उनकी हां में हां मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला तो बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने फरमाया कि इनको क्या हो गया,
इन्होंने दुश्मनों की हां में हां मिला दी, उनकी ताईद कर दी। कम से कम ये रिश्तेदारी का ही लिहाज करते हैं कि ये मेरे खाला दाद भाई है। अगर इन्होंने रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया था तो इस बात का ही ख्याल करते कि मैं इनका कफील हूं, इनको खर्चा देता। इन्होंने ना रिश्तेदारी का कोई लिहाज बात किया, ना मेरी किफालत का कोई ख्याल किया। चलो रिश्तेदारी का भी लिहाज ना करते, किफालत का भी पास ना करते, तो ये तो देखते कि नबी करीम की बीवी का मसला, नबी करीम की इज्जत और नामूस का मसला। इन्होंने नबी करीम की इज्जत और नामूस को भी पेशे नजर नहीं रखा और दुश्मनों की हां में हां मिला दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने उस हालत में ये कसम खा ली कि आइंदा मैं इनको एक पैसा नहीं दूंगा और इनके साथ कोई हमदर्दी और कोई सलूक नहीं। कसम खा। उधर वो थे नबी करीम के सहाबी, मुहाजिर भी थे और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी थे, जंगे बदर में भी शरीक हो चुके थे और अल्लाह ताला ने सारे बदर वालों को बख्श दिया। तो हां में हां तो मिला दी, लेकिन बाद में फौरन अल्लाह की तरफ से तनब्बो हुआ, एकदम आंखें खुली, हैं मैं क्या कह बैठा, मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैंने दुश्मनों की हां में हां मिला दी, कुछ ख्याल ही नहीं किया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी, आंखें खुल गई और फौरन अपनी बात से तायब हो गए और हुजूर की बारगाह में आकर रो पड़े, हुजूर मैं एक सादा आदमी हूं, उनकी बातों में आ गया, तवज्जो नहीं की, हां में हां तो मिला दी, बाद में अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, मेरी आंखें खुल गई है, तो अब हकीकत मेरे सामने आ गई है, मैं तौबा करता हूं अपने किए पर नादिम, तौबा कर लू। अल्लाह ताला ने भी माफ कर दिया, हुजूर ने भी माफ कर दिया और सिद्दीक अकबर कसम खा बैठे कि इनको आइंदा पैसा नहीं देंगे और इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया और इधर सिद्दीक अकबर कसम खा बैठे थे तो अल्लाह ने आयत उतारी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला यातले उलुल फदले मिनकुम वसाते अयो तू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू। अल्लाह फरमाता है, जरा गौर से सुनो अल्फाज, अल्लाह ने क्या फरमाया, वला यातले उलुल फदले मिनकुम वसाते, ऐ मेरे नबी के सहाबियों, तुम में जो फजीलत वाले और वसअत वाले, उलुल फजल, अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर को उलुल फजल फरमा रहा है और उलुल फजल का माने फजीलत वाला, वला या ताले उलुल फजल मिनकुम वसाते अयो तू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब के गुलामों, तुम में जो फजीलत वाले हैं और वसअत वाले हैं ना अबू बकर सिद्दीक, इनको चाहिए कि कसम ना खाएं बल्कि खाई हुई कसम को तोड़ दें, अपनी कसम पर कायम ना रहें, कसम तोड़ दें, क्योंकि ये तो बड़ी फजीलत वाले हैं, बड़ी वसअत वाले हैं। तो जब बड़े वसीउल ज़र्फ हैं, वसीउल क़ल्ब हैं, बड़े फजल वाले हैं, तो इनको क्या चाहिए कि कसम तोड़ दें। ये जो इन्होंने कसम खाई है ना कि अपने करीबी रिश्तेदार और मुहाजिर जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की मिस्ता, उनको देने की जो कसम खाई है ना कि आइंदा नहीं दूंगा, ये कसम तोड़ दी। बल्कि सुनो आगे अल्लाह क्या करे, अल्लाह फरमाता है, बल याफू वल यस्फहू। सिद्दीक अकबर की शान ये है, उनका मर्तबा और मकाम ये है कि वो माफ कर दें और दरगुजर करें। जैसे किसी को मशवरा दिया जाता है ना भाई, उसकी शान के लायक तो ये बात है। अल्लाह फरमाता है, चूंकि बड़ी फजीलत वाले हैं और बड़े वसअत वाले हैं, इनकी शान ये है
इनकी शान के मुताबिक बात यह है कि मुआफ कर दे और डर दे। जब अल्लाह ने यह आयत उतारी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को बुलाकर फरमाया कि अल्लाह ने तेरी शान में यह आयत उतारी और अल्लाह ने मशवरा दिया कि माफ कर दो और दरगुजर करो, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि अल्लाह ताला ने जब यह फरमाया तो मैंने माफ की, जितना पैसा पहले रोका था वो भी दे दिया और उसके बाद ये अहद किया कि जितना मैं पहले दिया करता था उससे ज्यादा दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे फजल वाला कहा है, वसत वाला कहा है और अल्लाह ने मुझे मशवरा दिया है कि माफ कर दो और दरगुजर कर दो क्योंकि तुम्हारी शान के मुताबिक यही है। तो देखो अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को क्या फरमाया, उलुल फजल फजीलत वाले, तो जिसको अल्लाह ताला फजीलत वाला कहे हम उसको फजीलत वाला क्यों ना माने, हम अहले सुन्नत व जमात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को फजीलत वाला मानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको फजीलत वाला फरमाया। अभी तक मैंने उनकी शान कुरान की चंद आयतों से बयान की और हदीसें तो भरी पड़ी, बस एक दो बातें और आज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान की 360 खसलतें हैं, जिसके अंदर एक खसलत भी होगी आखिर उसकी बख्शिश हो जाएगी, बदअमली की सजा उसको मिलेगी मगर आखिर उसकी बख्शिश हो जाएगी। जब हुजूर ने यह बयान फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे अंदर 360 खसलतों में से कितनी, फरमाया अबू बकर तेरे अंदर 360 ही मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान की 360 खसलतें और सिद्दीक अकबर के अंदर सारी मौजूद है। एक मरतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे, किसी दरवाजे से रोजेदारों को आवाज पड़ेगी, किसी दरवाजे से सखियों को आवाज पड़ेगी, किसी दरवाजे से मुजाहिदों को आवाज पड़ेगी, किसी दरवाजे से जाहिदों आबिदों को आवाज पड़ेगी, किसी दरवाजे से शहीदों वादियों को आवाज पड़ेगी, मुख्तलिफ दरवाजों से मुख्तलिफ लोगों को आवाजें पड़ेगी कि इस दरवाजे से आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया हुजूर मुझे कौन से दरवाजे से आवाज पड़ेगी, फरमाया अबू बकर तुझे हर दरवाजे से आवाज, जन्नत के हर दरवाजे का दरबान ये चाहेगा कि सिद्दीक अकबर उस दरवाजे से गुजरे जिस दरवाजे का मैं दरबान हूँ, तुझे सभी चाहेंगे और हर दरवाजे से तुझे आवाज पड़े। अल्लाह यार, जिसकी शान अल्लाह बयान करे, जिसकी शान रसूलुल्लाह बयान करें, जो उनकी शान में गुस्ताखी बेअदबी करेगा बोलो वो अपना ही नुकसान करेगा, उन पाक हस्तियों का क्या करें, वो तो ऐसी पाक हस्तियां हैं, जरा गौर करो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को बुलाया, फरमाया ए अली जिन हाथों से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना, और गुस्ल देकर खुशबू लगा के कफन पहना के मेरी नमाज जनाजा पढ़ के मुझे हुजराए रसूलुल्लाह के सामने ले जा, रौज़ाए रसूलुल्लाह पर हुजराए मुबारका के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करके कहना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार अबू बकर हाजिर है। अगर सरकार हुजराए मुबारका का दरवाजा खुद ब खुद खोल दे और फरमा दे के मेरे पास दफन कर दो तो कर देना, वरना जन्नतुल बकी में जो मुसलमानों का कब्रस्तान है उसमें दफन कर दे, ये आपने वसीयत फरमाई। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर इसको लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाई से कुबरा में इसको लिखा,
मेरे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर करो, इस वसीयत में ही गौर करो। वसीयत कर रहे हैं सहाबाए किराम को, तो सहाबाए किराम ने ये नहीं कहा अबू बकर तुम कैसी वसीयत कर रहे हो, दरवाजा खोलेगा कौन? हुजूर की तो वफात हो चुकी है, हुजूर तो कब्र में दफन है, कब्र से निकलेंगे क्या? कब्र से निकलकर दरवाजा खोलेंगे? और तुमने कहा है कि अगर हुजूर फरमा दे मेरे पास दफन कर दो तो दफन कर देना, तो क्या हुजूर कब्र से बोलेंगे? कभी मुर्दे भी बोले, महादंडा कब्र वाले भी कभी बोले? चाहिए था ना सहाबा ये कहते, मगर सहाबा किराम का अकीदा 14वीं सदी के लोगों जैसा नहीं। सिद्दीक अकबर ने वसीयत की और सहाबा ने उस पर अमल किया और उसका नतीजा देख सुन लिया। चुनाचे कुशल दिया गया यारे गार, अबू बकर आ गया। जो ही उन्होंने ये कहा, हुजरा मुबारक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और हुजूर की कब्र से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब व इन्नल हबीब मुश्ताकुन इलल हबीब। यार को यार के पास ले आओ, प्यारे को प्यारे के पास ले आओ, बेशक हबीब अपने हबीब का मुश्ताक है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में कब्र खोदी गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को कब्र में रखा गया, जहां नबी करीम अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक है वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का चेहरा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कब्र में रखा गया, सहाबा इर्द गिर्द खड़े थे, हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने देखा, आंखें अश्कबार हो गई, हिचकियां बंद गई। हाजरीन ने पूछा हजरत क्या हुआ, आपने क्या देखा? फरमाया जब हमने हजरत अबू बकर को कब्र में रखा तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ से निकले और कब्र के किनारे खड़े होकर अबू बकर को देखा। फरमाया अबू बकर अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की सफेद ताड़ी के सदके मेरी उम्मत के सफेद ताड़ियों वालों को बख्श दे। अल्लाह या रसूल अल्लाह चार यार। हजरत अली फरमाती है सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अबू बकर सिद्दीक को देखना और दुआ फरमाना, इस बात को देखकर मुझ पर निकतदारी हो गई कि सिद्दीक अकबर का कितना मर्तबा और मकाम है कि रसूलुल्लाह इनकी दाढ़ी का वास्ता पेश करके कि अबू बकर सिद्दीक की सफेद दाढ़ी के सदके मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ियों वालों को बख्श दे। ये शफकत ये दर्जा मर्तबा देखकर मुझ पर निकतदारी हो गई, ये है मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर। और कौन नहीं जानता कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार थे, बीमारी दामने अक्दस को छूने सलाम करने बरकत हासिल करने आई हुई थी, सरकार मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए थे, तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया था हुजूर आपकी तबीयत नासाज है, आप मस्जिद में तशरीफ नहीं ला रहे, तो आप किसको हमारा इमाम बनाते हैं, किसके लिए हुक्म फरमाते हैं कि वो इमामत फरमाए और इमामत के फराइज अंजाम दे? तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर का नाम लिया। बोलो हुजूर ने किसका नाम लिया था? सिद्दीक अकबर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जाहिरी हयात में ही उनको मुसलमानों का इमाम बना दिया था। चुनाचे हुजूर की वफात के बाद जब खिलाफत का मसला उठा तो हजरत अली और दूसरे सहाबा ने कहा कि जिसको नबी पाक ने हमारा इमाम बनाया है वो दुनिया और आखरत में हमारा इमाम है, जिसको नबी पाक ने हमारे आगे खड़ा किया है हम उसको पीछे नहीं कर सकते। सबने बिल्डिंग निफाक से खड़ी तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है,
अल्लाह ताला उनके दराजात और बुलंद फरमाए और उनके तुफैल हमारी दीनी और दुनियावी हाजतें पूरी फरमाए और हमारे दिलों में उनकी अकीदत और मोहब्बत मजबूत और मुस्तहकम रखे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के हालात बयान होंगे और परसों हजरत उस्मान गनी और हजरत अली शेर खुदा के और तरसों हजरत फातिमा ज़हरा और हसनैन करीमैन के, इसी तरह तरतीब के साथ बयान होगा। बहुत से मसाइल बयान हो रहे हैं जिनसे हमारे अकायद हमारे अखलाक की इसलाह हो रही है और इंशाअल्लाह होगी। आप हजरात मकी हो तेरा दर